भारत में देवताओं की नगरी हिमाचल प्रदेश बिलासपुर जिले शाहतलाई के पास सिद्धपीठ शाहतलाई से सदियों से हरे भरे वैट वृक्ष और गुरुना पेड़ बाबा बालकनाथ की तपोस्थली शाहतलाई में प्राचीन काल की दो ऐतिहासिक धरोहर वट वृक्ष और गुरुना पेड़ हैं। इनसे लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। इन ऐतिहासिक धरोहर की खास बात यह है कि प्राचीन काल से साल भर हरे भरे रहते हैं। शाहतलाई में स्थित गुरुना पेड़ का विशेष धार्मिक महत्व है। गुरुना पेड़ के दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। मान्यता के अनुसार बाबा बालकनाथ ने माई रत्नों के धर्मपुत्र बनकर 12 वर्षों तक गाय चराई थी और चरण गंगा के किनारे स्थित गुरुने की छाया में बैठकर तपस्या की थी। और गुरुना पेड़ आज भी उसी तरह हरा भरा है। माना जाता है कि गुरुना पेड़ के तने में डोरी बांधने से हर मनोकामना पूरी होती है और जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो श्रद्धालु उस डोरी को खोल भी देते हैं। इतना ही नहीं कि श्रद्धालु गुरुने के पत्तों को तोड़कर प्रसाद के रूप में घर ले जाते थे। इससे गुरुने के वास्तविक खतरे में पड़ने लगा था। इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए मंदिर न्यास ने गुरुने के तने के चारों ओर लोहे की ऊंची ग्रिल लगा दी। अब श्रद्धालु ग्रिल पर ही डोरी बांधकर मनते मांगते हैं। मंदिर के न्यासी विजय शर्मा ने बताया कि शाहतलाई में प्राचीन काल से एक गुरुने का पेड़ है जो सदा हरा भरा रहता है। मान्यता है कि बाबा बालकनाथ ने इस गुरुने के नीचे बैठकर तपस्या की थी। और जो श्रद्धालु सच्चे दिल से श्रद्धा से यहाँ मत्था टेकता है तो बाबा जी अवश्य उसकी मनोकामना पूरी करते हैं।